नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN9 और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हरछठ भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के 2 दिन पहले मनाई जाती है, क्योंकि हरछठ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ बलराम की जयंती के रूप में मनाई जाती है। हरछठ के रोज माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और इस व्रत को निराहार रखकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचकर अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना की जाती है। उसके बाद माँ अपने पुत्र के लिए राखी के रक्षा सूत्र के रूप में अपने पुत्र को राखी बांधकर उनके लंबी आयु के लिए भगवान कृष्ण से कामना करती है। ऐसा शास्त्रों का कहना है कि इस बार हरछठ की तिथि 27 अगस्त शाम 6:30 से 28 अगस्त रात 8:55 तक रही। इस पर्व को भगवान बलदाऊ बलराम जयंती जन्मोत्सव के रूप में महिलाएं बड़े धूमधाम से मनाती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जो शेषनाग के अवतार हैं हर जन्म में भगवान कृष्ण के साथ ही रहते हैं। शेषनाग कभी छोटी भाई बनकर भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हैं तो कभी बड़े भाई बनकर उनकी रक्षा के लिए उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसा शास्त्रों का कहना है। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार बना रहेगा IBN9 पर। आप देखते रहिए IBN9।